जय हिंद। इस वीडियो में हम शरिया कानून के बारे में जानेंगे। शरिया कानून क्या होती है और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर शरिया कानून को लागू कर दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इस कानून का विरोध करते हैं, जैसे इसमें संयुक्त राष्ट्र भी इसका विरोध करता है। तो आखिर इसका विरोध वह क्यों करता है, और इस शरिया कानून के तहत अपराध को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब कि शरिया कानून से जितने भी बातें हैं उन सब बातों को डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से देश है जहाँ पर इस शरिया कानून की प्रधानता है। तो देखिए, विश्व की ये प्रमुख देश है, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, ब्रुनेई, अफगानिस्तान, सूडान और कतर, यहाँ पर शरिया कानून को लागू कर दिया गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जितने भी देश है लगभग इसमें इस्लामिक लोग बहुत अधिक रहते हैं, लेकिन ये जो शरिया कानून है चर्चा तब आया जब पिछले साल ये जो अफगानिस्तान है अपने यहाँ लगाया है। क्योंकि पिछले साल आप देखेंगे कि अफगानिस्तान पर कब्जा तालिबानियों को हो गया। अब तालिबानी इतना कठोर और निर्दयी होते हैं कि लोगों को बिना सोचे समझे मार देते हैं, और ये आतंकवादी के रूप में चलते हैं। तो देखिए, लोगों ने सोचा कि ये इतना कठोर होते हुए भी, इतना कठोर खुद है, ऊपर से ये कठोर कानून ला दिए, जब कठोर कानून लगे तो इनको मारने का और भी मौका मिल गया। तो लोगों को जानने की इच्छा हुई शरिया कानून के बारे में। जैसे कि ईरान को देखिए, ईरान में हुआ हिजाब विवाद का मुख्य कारण यह शरिया कानून था। मतलब कि शरिया कानून बहुत कड़ा कानून है, इसके तहत बहुत से कड़ी नियम है। तो चलिए उसको नियम को हम जानते हैं। तो देखिए, जो शरिया कानून है वह इस्लाम का लीगल सिस्टम है। देखिए, किसी भी देश का जब ये लीगल मतलब कानूनी पद्धति हो गया तो इसको हर हर देश के नागरिक को मानना जरूरी है। जैसे कि जितने भी ये देश है, सऊदी अरब, ईरान, ब्रुनेई, अफगानिस्तान, सूडान और कतर, इन सबको मानना, इन इस देश में जितने भी नागरिक रह रहे हैं उन सबको मानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लीगल सिस्टम हो जाता है। जैसे भारत में लीगल जितने भी लीगल काम वो इन लीगल करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सजा भी मिलेगी। तो इसलिए इस कानून में यह जो कानून है वो इस्लाम का लीगल सिस्टम, इसको हर देश ये जितने भी जहाँ पर ये लागू है उसको मानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, नहीं मानेंगे तो सजा मिलना तय है। तो देखिए, ये जो शरिया कानून है वह ईरान जो इसमें मुसलमानों का जो पवित्र पुस्तक है कुरान, सुन्नत और हदीस, ये देखिए आप देखेंगे ये जो तीनों बुक है इन सब में ज़्यादातर तो प्रसिद्ध कुरान ही है, लेकिन ये भी है इन सब में देखकर यहीं से इन इन किताबों से शरिया कानून को मतलब कि लाया गया है। अब देखेंगे कि अरबी भाषा में जो शरिया का अर्थ होता है पानी का साफ और व्यवस्थित रास्ता, मतलब कि देखिए मुसलमान के जीवन के जीने का मतलब जल रूपी जीवन का मतलब व्यवस्थित रूप में, साफ और व्यवस्थित रूप इसके अनुसार मुसलमान को मानना चाहिए, और इसका जीवन जो है वो साफ हो जाता है और पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाता है, इसका अर्थ होता है अरबी भाषा में। तो अब देखिए, इस ये जो शरिया कानून है, शरिया कानून यह बताता है जीवन जीने का तरीका बताता है, मतलब कि एक मुसलमान को कैसा जीवन जीना चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी बताता है, उसके रोज की जिंदगी कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कैसे रहन सहन, खान पान, कैसे प्रार्थना होना चाहिए, कैसे उन्हें दान देना चाहिए, जिसमें इसमें कानून इसके तहत आप देखेंगे इसमें प्रार्थना भी शामिल है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं और गरीबों के लिए आप दान दे सकते हैं। ये पूरी बात इसे शरिया कानून में कहेगी, मतलब कि एक मुसलमान को जीने के किस तरह जिया जाता है, रोज की जिंदगी के बारे में पूरी डिटेल से बताता है, ताकि वह मतलब कि उसके मन चाह मतलब जितने भी जीवन की इच्छा वो पूरा हो सके। और इसमें तीन बातों को शामिल किया गया है, प्रार्थना, व्रत और दान। तो यह तरह इसकी कहानी। लेकिन अब हम समझते हैं इसके अपराध, इसके जो ये जो शरिया कानून है यह अपराध कितने भागों में बढ़ता है। देखिए, ये जो शरिया कानून है, शरिया कानून के तहत अपराध को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो अपराध होता है वह हद अपराध, जिसे गंभीर अपराध भी कहा जाता है। ये जो ऐसा अपराध होता है जिसकी सजा पहले से तय है, इसको मतलब कोई चर्चा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, चर्चा उर्चा करने की जरूरत नहीं, ऐसा काम करेंगे वो सीधे आपको समझिए मौत की सजा दे देगा। सजा इसका तय होता है, और इसको चूंकि आप देखेंगे कि इसमें अगर बेविचार आप कर दें, मतलब कोई चोरी कर दें, अगर कोई व्यक्ति चोरी कर दिया तो उसका हाथ काट दिया जाता है, या इसमें नियम है अगर आप चोरी कर देंगे तो उसका हाथ काट दिया जाता है, अगर आप बेविचार कर दिए, बेविचार अगर आप बेविचार करेंगे तो आप समझिए आपको पत्थर से मार मार कर मुआ दिया जाएगा, पत्थर से मार मार कर मौत पर दे दिया जाएगा। अब देखिए, चूंकि ये बेविचार का मामला बहुत ही कठिन हो जाता है, पत्थर से मार मार कर लोगों को मुआ दिया जाता है, मार दिया जाता है,
आप देखेंगे कि ये जो चोरी और व्यभिचार है इसमें ये इतना कठिन है, इसके मतलब कि ये जो हद अपराध है इसको जुटाने के लिए बहुत ही मतलब कड़ा सबूत की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जब पत्थर से मार मार कर किसी को मौत दिया जाएगा तो इस समय तो पूरी तरह से एकदम एक भी गलत व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर गलत व्यक्ति को ऐसा हो जाता है तो समझिए इस शरिया कानून का अपमान होगा। तो इसलिए इस कानून ये जो हद अपराध है, इस हद अपराध में पूरी तरह से मतलब कि कड़ी सबूत की जरूरत होती है। जितने भी सबूत है सब एक ओर होना चाहिए, मतलब कि अपराधी की ओर होना चाहिए जो इसे मतलब जो इसका शरिया कानून उल्लंघन किया उसकी होना चाहिए, तभी यह जो है हद अपराध की सजा दिए जाते हैं। अब देखिए दूसरा अपराध होता है तजीर अपराध। देखिए तजीर अपराध उतना कठिन नहीं होता है, ये जो इसकी सजा तय नहीं होती है, इसकी सजा जो होती है जो जज के विवेक पर, मतलब जज कैसा इस पर देखता है, किस रूप में इसको देता है, देखता है इसको क्या सजा होना चाहिए, तो ये जज के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें सबसे जो मेन दिक्कत हो जाता है ये पत्थर से मार मार कर मृत्यु। अब देखिए आधुनिक जीवन आ गया है, थोड़ा इसमें समझना चाहिए कि लोगों को ये जो पत्थर से मार मार कर मृत्यु दिया जाता है व्यभिचार के मामले में, इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र भी विरोध इसका करता है, कई देश भी इसका विरोध करता है। देखिए जब जैन धर्म में जो ऋषि लोग थे वो अपने जो जान दे अपना जो शरीर त्याग करते थे वो संलग्न विधि से त्याग करते हैं। वास्तव में संलग्न विधि बहुत ही कठिन था लेकिन वो अपने आप से त्याग करते, अपने आप कष्ट सहते थे। लेकिन ये जो हद अपराध के तहत जो व्यभिचार के मामला में मृत्यु दी जाती थी वो लोगों इसे मार मार कर, पत्थर से मार मार कर दूसरे लोग इसे मार कर मृत्यु दे देते थे। लेकिन संलग्न बिंदु तो ये थोड़ा यहाँ पर कठिन हो जाते हैं, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारे देश इसका विरोध करते हैं। तो यह रहा इसकी पूरी कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।